नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस समय जो खबर आ रही है वो भारतीय चुनाव इतिहास का की सबसे बड़ी घटना और सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हो सकती है। भारतीय मूल के एक इंजीनियर ने दावा किया है कि 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें बड़े पैमाने पर ईवीएम हैक की गई थी और ये हैकिंग बीजेपी ने करवाई थी। उसने एक आज जो सैयद सूजा नाम के इस शख्स ने जो कि ईसीएल का पूर्व अधिकारी रह चुका है, पूर्व इंजीनियर रह चुका है, उसने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, बहुत चौंकाने वाले दावे किए हैं। और ये जो दावे हैं आप एक बारगी आप यकीन नहीं हो करना मुश्किल है, ये किसी बहुत ही एक थ्रिलर का प्लॉट जैसा दिखता है, लेकिन अगर ये सच है तो ये जैसा कि मैंने कहा कि ये भारतीय चुनावी इतिहास का, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हो सकता है। सैयद शुजा ने दावा किया है कि 2014 में बड़े पैमाने पर ईवीएम हैक की गई और ये हैकिंग में जिस कंपनी ने साथ दिया बीजेपी का वो थी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने देश भर में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स का जाल बिछाया, ऐसे 9 सेंटर बनाए गए जहां पर कि जिसके जरिए लो फ्रीक्वेंसी पे, जिसको कि आप मिलिट्री ग्रेड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, उसके सिग्नल इमिट किए गए वहां से और देश भर के जो टारगेटेड ईवीएम थे उसको हैक किया गया। जो सैयद सूजा है उनका दावा है कि जो लोग काम कर रहे थे इन सेंटर्स में उन्हें भी नहीं पता था कि वो एक तरीके से ईवीएम हैकिंग में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हैं और असल में वहां से हैकिंग चल रही थी। सैयद सूजा का दावा है कि वो उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसको कि ईसीआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसने कि इस ईवीएम को डिजाइन किया है, इस ईवीएम को बनाया है, उसने एक प्रोजेक्ट के तहत इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि ये पता लगाए कि ईवीएम हैक किए जा सकते हैं कि नहीं। और उनकी टीम ने ये साबित किया था कि ईवीएम को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए इंटरवीन किया जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है और उसे हैक भी किया जा सकता है। और ये हैकिंग जब उन्होंने साबित की कि ये हैकिंग हो सकती है, बाद में इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके 2014 के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम हैक की गई। बहुत 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 चौंकाने वाले खुलासे हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे जो सैयद सूजा ने कहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लंदन में हो रही है और लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो यूरोप चैप्टर है उसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहां आयोजित करवाया है। वहां पर सैयद सूजा का दावा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा गया था, उनको बताया गया था कि इस तरह की का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, किया जाना है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस के कपिल सिब्बल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। भारतीय मूल के बहुत सारे पत्रकार भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और वहां पर एक डेमो के जरिए, एक डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मिलिट्री ग्रेड फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है, उसे हैक किया जा सकता है और उससे चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। बहुत सैयद सूजा ने यह भी कहा है कि 2014 में, न सिर्फ 2014 में बल्कि बाद के भी बहुत सारे इलेक्शंस में जो स्टेट इलेक्शंस थे वहां पर भी हैकिंग की गई। और उनका दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी नतीजे एकदम अलग होते, बीजेपी यहां जीत जाती अगर उन्होंने और उनकी टीम ने इसको इंटरसेप्ट नहीं किया होता, जो बीजेपी की तरफ से जो ये हैकिंग की कोशिश की जा रही थी अगर उसको इंटरसेप्ट नहीं किया होता तो यहां भी नतीजे पलट जाते और बीजेपी के फेवर में जाते। यहां तक कि उनका दावा है कि हमने और उनकी टीम ने बीजेपी के लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने यहां तक स्वीकार किया है कि उनकी टीम ने बीजेपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। और इसी सिलसिले में हैदराबाद के एक सबर्ब में उनकी मुलाकात हुई थी बीजेपी के कुछ नेताओं से, जहां पर कि उन पर हमला हुआ और उनके टीम के ज्यादातर लोगों को गोली मार दी गई और फिर उसी दिन किशनगढ़ में एक दंगा कराया गया और उस दंगे के विक्टिम के तौर पर उनके टीम के लोगों का की बॉडी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई। यह भी बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। साथ ही साथ यह भी उन्होंने दावा किया है कि इस हैकिंग के बारे में गोपीनाथ मुंडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे को सब कुछ पता था और इसीलिए उनकी हत्या की गई। असल में उनकी मौत नहीं हुई थी कार एक्सीडेंट में, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई थी। और जब इसकी जांच के दौरान तंजील अहमद नाम के पुलिस अधिकारी को इसका पता लगा और वो इसकी रिपोर्ट फाइल करने वाले थे तो तंजील अहमद को भी मार दिया गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। ये 4 days ago Syed was attacked in the United States and he was unable to take the flight that he was booked on from Newark to London on Saturday night and arrive here
yesterday morning. So we had a bit of a crisis yesterday, but despite the fact that he is clearly injured, and we have managed to persuade him to make an appearance so that he tells his story and you can also put questions to him. So with those words, it's over to you, Syed. Hello everyone, thanks for coming down there. I use Hindi, English, American, British, so everyone loud and clear? Yes, please speak in English so that everyone can understand. Okay. You can do so with an American accent, but do speak English. All right. So, my name is Shuja. I'm known with many names. You know, some call me Sid, some call me Syed, some call me Rinkage, some call me Mohed. I'm also a fortune teller. So, I can tell you what is going to happen after this press conference. First thing, Election Commission of India will deny the possibility of EVM hacking. Second, the ruling party will deny their involvement in what happened since 2013 and today. Third, the Electronic Corporation of India will deny my existence as an employee of ECI. And fourth, that I don't exist in any system whatsoever in India because I'm dead 4.5 years ago. So these are the things which are definitely going to happen in about 2 hours from here. To start with, you know, I was supposed to come down there, do a demo. However, those who are supposed to get the EVMs transported to India, they have been offered great amount of money, and they decided not to show up at the venue with the EVMs, which was used in recent elections, the 2018 November election. So that plan was completely dropped out. However, if I could just stop you there for a minute, I just want to say that ECIL means Electronic Corporation of India Limited. It's a public sector company which manufactures what are known as electronic voting machines or EVMs. Please carry on, Syed. So, you know, the EVMs, the ballot. तो हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे जो कि अब से थोड़ी देर पहले ही लंदन में किया गया और जहां पर कि इस तरह के बहुत चौंकाने वाले दावे किए गए हैं ईवीएम हैकिंग को लेकर के. जैसा कि उन्होंने दावा किया कि 2014 में ईवीएम बड़े पैमाने पर हैक की गई थी और भी बहुत सारे स्टेट इलेक्शन हैं जिसमें कि ईवीएम की हैकिंग हुई. बहुत सारे बहुत चौंकाने वाली बातें कही गई है. गोपीनाथ मुंडे की मौत नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई थी और उनकी मौत की जांच कर रहे अधिकारी ने जब उनकी हत्या की बात उजागर करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए चाहिए तो उनकी भी हत्या कर दी गई. हालांकि ये फैक्ट है कि तंजील अहमद जो कि एनआईए में डीएसपी के रैंक पर काम कर रहे थे और गोपीनाथ मुंडे के केस से जुड़े हुए थे, 2016 में उनकी हत्या कर दी गई थी. इसके